Puspa. Puspa Raj. तो दोस्तों, तेलुगु सिनेमा का एक ही सुपरस्टार पूरे बॉलीवुड पर भारी पड़ चुका है और स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ने 2021 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को हिंदी में तोड़ दिया है और नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अल्लू अर्जुन जिनकी पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पैन इंडिया में रिलीज किया गया था। 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली दोस्तों इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 3000 स्क्रीन्स मिली थी, जहां पर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया। और आज दोस्तों ये फिल्म अपने 40 दिनों बाद भी काफी पसंद की जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुष्पा के 40 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, अल्लू अर्जुन के नई फिल्म के बारे में और बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के नए रिकॉर्ड्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के डाहार्ट फैंस से साउथ इंडियन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और अब आने वाली पैन इंडिया मूवीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म पुष्पा के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। तो दोस्तों सुकुमार सर के डायरेक्शन में बनने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने अपने पहले दिन 71 करोड़ रुपए कमाए, अपने पहले हफ्ते में 230 करोड़ रुपए कमाए, अपने दूसरे हफ्ते में 290 करोड़ रुपए कमाए और अपने तीसरे हफ्ते में यह फिल्म 340 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अपने शुरुआती 3 हफ्तों में दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई करने में सफल रही। अपने पहले हफ्ते दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर थोड़े कम जरूर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी में अपने दूसरे हफ्ते कमाए 20 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें एक बार फिर से काफी शानदार ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 25 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म हिंदी में अपने शुरुआती 3 हफ्तों तक लगभग 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के चौथे और पांचवें हफ्ते के कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने चौथे हफ्ते इस फिल्म ने हिंदी में कमाए हैं 13 करोड़ रुपए। वहीं अपने पांचवें हफ्ते इस फिल्म के हिंदी में जो कलेक्शन थे वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए के रहे। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी और स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर के कैरियर की पहली ही पैन इंडिया फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर उनके कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के छठे हफ्ते के कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने छठे हफ्ते भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रिस्पॉन्स हिंदी में मिल रहा है उसके बाद दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। इस फिल्म ने दोस्तों अपने 36वें दिन कमाए हैं 60 लाख रुपए, 37वें दिन कमाए 85 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अपने 38वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में क्या शानदार ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए हैं 1.40 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। अपने 39वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए हैं 40 लाख रुपए। वहीं दोस्तों आज अपने 40वें दिन भी ये फिल्म लगभग 40 से 45 लाख की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हिंदी में 95 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। दोस्तों बता दें आपको कि मुंबई एरिया में इस फिल्म ने अक्षय कुमार सर की ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यवंशी के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है और वहां पर ये फिल्म इंडियन सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 380 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाला है। बताते चले दोस्तों आपको कि जिस तरह की कमाई ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया से और हिंदी से कर रही है उसके बाद दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ और हिंदी में 100 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर देगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नई फिल्म की, तो दोस्तों स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अब साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर एटली कुमार, जो कि अभी फिलहाल में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ लॉयन फिल्म कर रहे हैं, उन्होंने अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म में लेने के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया है, जो कि दोस्तों एक तरह से काफी बड़ा ऑफर है। अल्लू अर्जुन ने दोस्तों इस फिल्म को हां भी कर दी है और इस फिल्म के लीड में आपको अल्लू अर्जुन के अलावा कौन एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है इसकी भी अपडेट जल्द ही आने वाली है। दोस्तों बता दें आपको कि एटली कुमार के साथ आने वाली ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी कई सारे रिकॉर्ड्स को बना सकती है। आपको क्या लगता है अल्लू अर्जुन की आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में क्या कमाल कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।